सज्जनपुर नाम के इस गांव में सभी लोग घुल मिलकर रहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ रहने वाला हर सज्जन मेहनत मजदूरी से अपना पेट भरता है और एक दूसरे की मदद भी करता है। आज भी ये सभी गांव वाले किसी की मदद करने जमा हो रहे हैं। राम राम, सुनने में आया कि सरपंच जी का बेटा वरुण किसी मुश्किल में है। मदद के लिए सभी गांव वालों को तालाब के पास मैदान में बुलाया है। अरे हरिया भैया, वरुण नहीं, वरुण, वरुण। हाँ हाँ वही वरुण, अभी अभी शहर से पढ़ाई करके आया है। कहता है कि अब यही गांव में रहकर गांव वालों की सेवा करेगा। ना जाने ऐसी कौन सी परेशानी है जो सभी गांव वालों को बुलाया है। भगवान करे कि कोई गंभीर समस्या ना हो। अरे वरुण बेटा, तुम तो ठीक हो, हमें लगा तुम पर कोई मुसीबत। अरे काका, मुझे हमारे किसान भाइयों की भीड़ जमा करनी थी, सो कर दी। भगवान की दया से फसल का अच्छा दाम चीनी मिल से आ जाता है, भला सज्जनपुर को क्या परेशानी हो सकती है। फिर हमें इकट्ठा क्यों किया है, और ये तुम्हारे पीछे क्या है? ये तो फोन है, पर इसमें ये चित्र क्या बने हैं? बा एल राम ऐप, ये बलराम ऐप क्या है? आप सबको इस बलराम से मिलवाने ही तो बुलाया है। बलराम एक मोबाइल ऐप है जो गन्ने की खेती से संबंधित हमें हर तरह की मदद करेगा। जैसे आप बाकी ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही बलरामपुर चीनी मिल्स का ये बलराम ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। इस ऐप को खोलने पर लॉगिन का पन्ना खुलेगा। लॉगिन करने के लिए अपना फोन नंबर और फैक्ट्री का ग्रोअर कोड डालकर लॉगिन दबाएं। अब आप इस ऐप का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। फोन पर ये सब चलाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे हरिया, अब नए जमाने के साथ हम बात करने के लिए फोन और मैसेज का इस्तेमाल नहीं करते क्या? अब तो सोसाइटी से पर्ची भी एसएमएस पर आती है, और गवर्नमेंट के ई गन्ना ऐप का तो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते ही हैं। बस वैसे ही खेती के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करना है। जरा देखो तो, ये है ऐप का होम पेज। इसमें आपको आपका नाम, नंबर, आपकी समस्याएं और फैक्ट्री की नई सूचनाएं सब दिखाई देंगी। ऊपरी कोने में ये तीन लाइनों का मेन्यू बार है। इसे खोलने पर ऐप में उपलब्ध सभी सुविधाएं दिखाई देंगी। सबसे पहली सुविधा है मेरी प्रोफाइल। इसमें आपको अपनी और अपने सभी खेतों की जानकारी पहले से ही डली हुई मिलेगी। क्योंकि ये ऐप बलरामपुर चीनी मिल्स से जुड़ा है, तो ग्रोअर कोड देने पर आपकी सारी जानकारी अपने आप इस ऐप में आ जाएगी। आपके खेत के चुने हुए सीएफए का नाम और नंबर भी इसमें दिखाई पड़ेगा। दूसरी सुविधा है क्रिया। क्रिया में आपको अपने खेत के वर्तमान, अधूरी और आने वाली गतिविधियाँ एवं जो कार्य आपने पूरे कर लिए हैं, उन सभी कार्यों की जानकारी दिखाई पड़ेगी। जरा देखो तो, और आप अपने हर कार्य के अंत में एक फोटो लेकर इस जगह डाल भी सकते हैं। आपकी किसी भी क्रिया को पूर्ण करके अपलोड करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलेंगे, जिसका जोड़ आप यहाँ हमेशा देख सकते हैं। अगर पहले साल में आप किसी खेत में 150 पॉइंट या उससे ज्यादा जमा कर लेते हैं, तो आपको चीनी मिल की तरफ से इनाम भी मिलेगा। इसी तरीके से आप जितने खेतों में 150 से ऊपर पॉइंट जमा करते हैं, आप उतने इनाम पाएंगे। और हाँ, जितने ज्यादा पॉइंट उतना ही अच्छा होगा इनाम। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा जो इस ऐप में उपलब्ध है, वो है गन्ना खेती हैंडबुक। इसमें बुआई से लेकर कटाई, बीमारी और कीट से लेकर दवा और खाद, तकनीक से लेकर यंत्र, सभी की जानकारी उपलब्ध है। समझ लीजिए कि अगर आप पहली बार भी गन्ने की खेती कर रहे हैं ना, तो इसे पढ़कर आप हर चीज को खुद ही सीख सकते हैं। कोई भी समस्या या सवाल आने पर इसमें जरूर देखें। इस हैंडबुक में देश के जाने माने साइंटिस्टों से सलाह लेकर गन्ने की खेती के सबसे आधुनिक और प्रभावी जानकारी दी गई है। और यदि फिर भी आपकी समस्याओं का हल नहीं मिल पा रहा, तो आप बलराम की अगली सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। ये अनुरोध की सुविधा चीनी मिल से सीधा जुड़ के अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। अपनी समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए यहाँ नीचे दिए गए प्लस को दबाएं, फिर अपने खेत और अनुरोध का प्रकार चुनकर अपनी समस्या नीचे विस्तार में लिखें।
आप चाहें तो समस्या की फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे ही आप अनुरोध को पूर्ण करेंगे तो आपकी दी हुई जानकारी आपके सीएफए तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। समस्या समझकर आपका सीएफए समस्या का हल भी ऐप पर ही देगा। जब तक आपको समाधान ना मिले, आपका सीएफए आपको समस्या संबंधित नए उपचार देता रहेगा। यदि सीएफए से समाधान ना मिल पाए तो आपका अनुरोध सीडीओ तक अपने आप पहुंच जाएगा। सीडीओ आपकी समस्या का समाधान करेगा। पर मेरे खेत में तो कोई तकलीफ नहीं है, ना कीड़ है ना बंजर, और इस बार बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी आई है। मुझे तो मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं। और सोचो, अगर तुम्हारी इस मेहनत को सही समय पर सही जानकारी मिलने से फसल दुगनी हो जाए तो। क्रिया की सुविधा के बारे में तो बताया ही था, पर और सुनो, इस सुविधा में बुवाई के समय या फिर पेड़ी के अनुसार सभी कार्य समय समय पर बताए जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक खेत में बुवाई बसंत काल में की और एक खेत में शरद में और तीसरे खेत में पेड़ी हो तो सारे कार्य अलग अलग बुवाई के महीने के अनुसार बताए जाएंगे। और आप लोगों को समय पे किए गए कार्य का महत्व तो मालूम ही है। और ये देखो, यहाँ मौसम की जानकारी की सुविधा से आप आने वाली बारिश, आंधी, सर्दी, गर्मी सबका अंदाजा ले सकते हैं। और वर्क कैलकुलेटर को अपने खेत का आकार, बीज का प्रकार, समय आदि बताने से ये परिणाम तुम्हें कौन कौन से खाद अलग अलग मिश्रण के अनुसार और कितनी मात्रा में डालना चाहिए ये भी बताता है। घोषणाओं की सुविधा से हम सब फैक्ट्री की नई सभी छोटी बड़ी जानकारी और सूचनाओं से सूचित रह सकते हैं। कृषि यंत्र की सुविधा की मदद से हमें जो भी मशीन की जरूरत है वो आसपास किसके पास उपलब्ध है, इन सब की जानकारी भी मिल जाएगी। हाँ भाइयों, अब बड़ा ट्रैक्टर लेने के लिए मुझे दूसरे जिले जाना नहीं पड़ता, काम पास वाले गांव में ही हो जाता है। वैसे ही एक बहुत काम की सुविधा है वित्त। वित्त में आप अपने सभी खर्चे और आमदनी लिख सकते हैं। ये ऐप आपको नफा नुकसान की गणना भी करके देता है। सरपंच जी, देखने में लगता है जैसे ये ऐप कोई खेती बाड़ी का विशेषज्ञ है। हिंदी और अंग्रेजी में भी है? हाँ बिल्कुल, इस ऐप को हमारे विशेषज्ञ बलरामपुर चीनी मिल्स ने बनाया है। इस ऐप के द्वारा हम मिल से निकटता भी बनाए रख सकते हैं। जी काका, आप जब चाहें मिल के विशेष ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। और काका, खेती के अलावा आपकी मिल पर्ची भी इस पर अपने आप चढ़ जाएगी। समझ लीजिए, आपने अभी मिल गेट पर तौल किया और निकल गए तो आपके घर पहुँचने से पहले आपकी तौल के सारे विवरण ऐप पर आ जाएंगे। सप्लाई टिकट और पेमेंट की जानकारी भी वक्त वक्त पर चढ़ती रहेगी। और सुनिए, अगर आपके पास बड़ा फोन ना हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप अपने घर के अन्य सदस्य या फिर किसी मित्र के फोन पर भी अपना काम कर सकते हैं। आपका लॉगिन सिर्फ आपका है, क्योंकि यह आपके ग्रुअर कोड एवं मोबाइल नंबर से जुड़ा है। जब रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी मिलेगा तब ही लॉगिन होगा। वाह वरुण बेटा, तुम तो सच में गाँव का भला अपने साथ लेकर आए हो।